हेलो गाइस, आज हम लोग मामा घर जाने वाले हैं। तो अभी रेडी होंगे, कुछ देर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो हमारे साथ हम लोग मामा घर अभी पहुँचने वाले हैं। फाइनली हम लोग मामा घर पहुँच गए और ये आप लोग देख रहे हो, पूरा गांव को इस तरह से सजाया गया है, पूरा नेचुरल ब्यूटीज। और गांव को ना पूरा मतलब फर्स्ट से गांव का शुरुआत से लेके गांव के अंत तक इस तरह का पूरा सजाया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे मेहमान भी सबके घर में आए हुए हैं। हम लोग मेरे मामा घर के रास्ते में हैं, मतलब वो गांव हम लोग पहुँच चुके हैं। आप लोग देख सकते हो बहुत सारे मेहमान भी आए हैं। और यहाँ पे बस की सुविधाएं नहीं हैं, इसीलिए सब अपने अपने बाइक कोई कार सब अपने अपने लेके आए हैं। और यहाँ पे जिस तरह से यहाँ के सभी घरों में इस तरह की पेंटिंग बनाई गई है, अलग अलग तरह की डिजाइन की गई है। यहाँ पे सिंपल दिख रहा है तो कोई चलो बहुत अच्छे तरह से पेंटिंग किया गया है। हम लोग अभी मामा घर पहुँच गए हैं, तो सब कोई मेरे मामा घर में आ गए, मेरे मौसी लोग। चलिए मैं आपको मेरे मौसा मौसी मेरी दीदी सबसे मिलाती हूँ। और ये जो जा रहे हैं ये मेरी भाभी है। और सब पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे सब बैठे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ। ये मेरे बड़े पापा हैं और ये मेरी मम्मी है। इसके बाद ये मेरे चाचा, उनके बेटे और मेरे जीजू, ये मेरी दीदी और मेरी दीदी का बेटा। और सब लोग, हम लोग आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा हवा। दोस्तों ये मेरे मामा घर का बागवानी है और आप लोग देख सकते हो ये आम का पेड़ है। ये यहाँ पे जो आम फलता है ना बहुत बड़ा बड़ा होती है यहाँ पे। और मैं आपको दिखा देती हूँ, और भी बहुत सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। अनारस मैं आपको दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ। ये रहे अनारस, अभी तक पके नहीं हैं, पक जाने से खाएंगे। अभी तो नहीं पका, बहुत सारा है अनारस का पेड़, वो साइड साइड लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और ये मेरे बड़े मामा का घर था, बट अभी मामा मम्मी दोनों गुजर गए हैं तो यहाँ पे कोई नहीं रहता है, ऐसे खंडहर हो गया है पूरा। और ये जो कुआं आप लोग देख रहे हो ये मामा लोग का है। और उधर तो नीचे जो कुछ झालर टाइप दिख रहा है ना, वो सब उधर से होकर रोड गुजरती है और आगे भी है। दोस्तों तो मेरे मौसी लोग भी आ गए, मेरी दीदी लोग भी, सभी कोई आ गए हैं। और आप लोगों ने तो सब कोई को देख ही लिया है। अभी हम लोग थोड़ी देर में मामागढ़ के जो फेमस पहाड़ है वहाँ जाने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, पूरा चारों ओर जो है ना मतलब हरा भरा, हरियाली ही हरियाली है। चलिए हमारे साथ बने रहे। हम लोग अभी रास्ते से मतलब गांव से होते हुए हम लोग को जाना पड़ रहा है, तो हम लोग अभी पहाड़ चढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये जो आप लोग को दिख रही है ये जाहेर है, संथाली में इसको जाहेर बोलते हैं। और यहीं पे मोड़े भी होने वाला है और सब मतलब शाम के टाइम यहाँ पे डांस वगैरह भी होंगे। अभी पूरा खाली लग रहा है आप लोग को, यहाँ पर पूजा हो चुकी है। और ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में मतलब कोई जाते नहीं है, जब पूजा होती है तभी जाते हैं। और आपको में पूजा सब होती है, कोई भी पूजा अगर होनी रहती है तो जाहिर में ही होती है। और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूजा की गई है आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ कुछ मूर्ति वगैरह भी रखी हुई है छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ भगवान मतलब पूजा किए गए कुछ कुछ भगवान का। और अभी हम लोग पहाड़ चढ़ने वाले हैं, तो ये इस रास्ते से होते हुए हम लोग को मतलब सबसे ऊपर जाना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो किस तरह का पत्थर दिख रहा है, मतलब इतना धूप में हम लोग जा रहे हैं अभी पहाड़ देखने, मतलब सबसे ऊंचा चोटी। और हम लोग थक गए हैं बहुत ज़्यादा अभी, फिर भी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि कभी देखे नहीं है इस तरह का। सो हम लोग अभी, मेरी दीदी, मेरी बड़ी मम्मी, हम लोग सब मतलब वो लोग पीछे पीछे आ रही है, हम लोग अभी जा रहे हैं। और मेरी दीदी का बेटा वो तो सिर्फ इधर उधर फुदक रहा है, उसको मतलब थक ही नहीं रहा है वो तो। और हम लोग फाइनली पहुंच गए, आप लोग देख सकते हो इस तरह से कुछ दिखता है। ऊपर में भी रास्ते बनाया हुआ है
और अभी वो लोग पानी खोज रहे हैं यहाँ पे। पानी भी बहुत प्यास लग रही है। कोई कह रहे थे कि इधर से वो लोग पानी लेके जाते हैं, तो हम लोग पानी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। हम लोग भी इतना बेवकूफ़ वाला काम किए, इतना धूप में पानी का बोतल लाए हैं लेकिन पानी नहीं लाए हैं, पानी ख़त्म हो गया। और पता नहीं यार कितने देर में हम लोग को पानी मिलेगी। उफ, पानी दिख गई, यहाँ का पानी सब पीते हैं। तुम्हारा एज वाले यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रही है, पता नहीं कहाँ का पानी पीते होंगे। चलो पूछते हैं, यहाँ तो कुछ गंदा गंदा पानी दिख रहा है यहाँ का। खावा जुल इधर से ही लेके जाते हैं, पूछना पड़ेगा। यहाँ का पानी पीते हैं, यहीं से पानी लेके जाते हैं। यह झरना है, हमेशा पानी निकलते रहता है लेकिन कुछ मतलब वैसे ढका हुआ नहीं है, बट यहीं से मतलब यहीं का पानी सभी कोई पीते हैं इधर के लोग, और यहाँ पे नहाते हैं। आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे पानी का कितना समस्या है। अभी हम लोग जा ही रहे हैं और फाइनली वो शिखर पे पहुँच गए हम लोग। हमें तो बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी, और ये शाम का वक्त है और सभी थोड़ी भीड़ भी हो रही है, मतलब शाम हो गई है। तभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ना वो जाहिर, वहाँ पे भी सब बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, डांस वगैरह होने वाली है, और कुछ कुछ लोग अभी आ रहे हैं। अभी तो डांस शुरू भी हो गई है। आप लोग देखो कितने भीड़ है, जितने यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ सभी के घर में मेहमान आए हुए हैं, उन मेहमान ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं, और सब कोई डांस वगैरह कर रहे हैं। मैं तो खड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं साड़ी नहीं पहनी, और यहाँ पे सब कोई साड़ी वड़ी पहने हैं। मतलब हम लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई भी पूजा वगैरह होती है तो हम लोग को जब इन्वाइट किया जाता है तो सभी को साड़ी दिया जाता है, तो सब कोई साड़ी पहने हैं और मैं ही नहीं पहनी हूँ, इसलिए मैं देख रही हूँ दूर से ही। और सब मेरी मम्मी भी नाच रही है, मेरी मामी लोग भी सब कोई नाच रही है, और मैं खड़े होकर देख रही हूँ। तो अभी सबको हम लोग विदाई के लिए रेडी हो गए हैं, मतलब सबसे विदाई ले रहे हैं, मेरे मामा मामी और बाकी जितने भी हैं वहाँ पे सबसे विदाई ले रहे हैं। और संथाली में हम लोग इस तरह का प्रणाम करते हैं, और अभी मेरे जीजू लोग भी जाने वाले हैं तो उन लोग भी मामा मामी से विदाई लेंगे, और मैं भी विदाई लूँगी, मतलब मुझे भी इस तरह का प्रणाम करना होगा। उसके बाद हम लोग एक सेल्फी लेंगे, एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। तो आप लोग देखिए इसमें किस तरह का प्रणाम करते हैं। मारे अर्प क्यों से आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।